और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में मोदी की रैली पर विवाद हो गया है। प्रशासन ने रैली करने की इजाजत नरेंद्र मोदी को नहीं दी है। कल वाराणसी में दो रैलियों की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, आखिर इजाजत क्यों नहीं मिली? देखिए रचना, यहाँ पे बड़ी साफ सी बात है कि प्रशासन जिस पेज को फंसा रही है वो पेज निश्चित तौर पे सामान्य व्यवस्था को असिस्ट करने से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस जगह पे ये रैली होनी है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कारणों से शाम का वक्त है और शाम को वहाँ रैली करना संभव नहीं है, जो भारी भीड़ की वजह बनेगी और बाकी अव्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। ये अलग चीज है कि प्रशासन खुल के बोलने से कतरा रही है, लेकिन इस बात को वो स्वीकार रही है कि कल होने वाली दोनों रैलियों को अभी तक अनुमति प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। जी, तो क्या कोई गुंजाइश लगती है संतोष, जिस तरह से कहा सुरक्षा कारणों को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई है, क्या भीड़ कम हो, वहाँ पर लोगों की संख्या कम रहे, इसको लेकर भी क्या सशर्त ये इजाजत मिल सकती है प्रशासन की तरफ से? देखिए, यदि देखा जाए जगह की बात कर ले तो बेनियाबाद शहर के मध्य में है और बहुत ही घने इलाके में माना जाता है इसे। ये भी माना जाता है कि यहाँ का रोड लगभग हर समय व्यस्त रहा करता है और इस जगह पे यदि रैली होती है तो निश्चित तौर से आवाजाही के साथ साथ सुरक्षा कारणों का भी निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा और उसका असर कुछ गंभीर हो सकता है। और ऐसे में बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, क्योंकि वाराणसी को लेकर खासतौर पर तैयारियां की गई थी और वाराणसी में ही कल दो रैलियां होनी थी, इसी को लेकर नरेंद्र मोदी और साथी बीजेपी की तरफ से तैयारियां की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। शुक्रिया संतोष इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।